टू माय चैप्टर। सो आज हम लोग जो लैब करेंगे उसका नाम है मैनेजिंग फाइल परमिशन। मतलब हम लोग यहाँ पर किसको क्या परमिशन देंगे, मतलब कौन कौन सा फाइल एक्सेस कर पाएंगे, कौन देख पाएंगे, कौन लिख पाएंगे, वो वाला का हम इस लैब में सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट लैब कर लेते हैं। जब तक कि लैब स्टार्ट हो रहा है तब तक हम मोबाइल स्ट्रीम को ऑन कर देते हैं। ओके, लैब रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग जानते हैं अगर आप लोग मेरा पिछले वीडियो देखे तो तब तक हम लोग वेट करते हैं। मुझे टाइम लगता है रेडी होने पे। अगर आप लोग मेरा लिनक्स का जो प्लेलिस्ट है वो अभी तक नहीं देखा सो एक बार देख कर आ दें। मैंने पूरा जो AWS का लिनक्स है उसका मॉड्यूल कंप्लीट करने की कोशिश की है, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ले रहा है आज। बट क्या ही करें, वेट करना होगा। जल्दी का काम शैतान का होता है, बट हम लोग वो काम नहीं करेंगे, हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ओके गाइस, तो हम लोगों का लैब रेडी हो गया। सो अब फटाफट से हम लोग डिटेल्स में जाके की को डाउनलोड कर लेंगे। ये है SSH की, इधर से डाउनलोड कर लेंगे एंड पब्लिक IP को कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी करने के बाद हम लोग मोबाइल स्ट्रीम में चलाएंगे, इधर सेशन में जाके SSH देन रिमोट होस्ट पे हम लोग जो IP को कॉपी किया है वो वाला पेस्ट कर देंगे। देन एक यूज़र नेम देंगे, आप लोग जो मर्जी वो दे सकते हो। हम इधर EC2 यूजर दे रहे हैं। देन एडवांस SSH सेटिंग, देन हम लोग जो की को डाउनलोड किए हैं ना वो वाले इधर अपलोड करेंगे। इस बॉक्स को चेक करके इधर से वो वाला अपलोड कर दिया है। देन ओके, देन एक्सेप्ट। चलिए हम लोगों को मोबाइल स्ट्रीम कनेक्ट हो गया, तो देखते हैं इस्लाम में क्या बोला है करने के लिए। ओके, चेंज फाइल एंड फोल्डर ओनरशिप, मतलब यहाँ पर हम लोग फाइल और फोल्डर का ओनरशिप चेंज करेंगे। इधर बोला है कंपनी ए फोल्डर का ओनरशिप CEO को देना है एंड ग्रुप ओनरशिप टू पर्सनल। सो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोग कौन सा डायरेक्टरी में है अब। सो उसका कमन है PWD, इसको कॉपी कर लेना है, पेस्ट करना है। ओके, देखिए हम लोग इधर EC2 में हैं, तो इधर बोला है हम लोगों को कंपनी ए में जाना पड़ेगा। सो इसीलिए आप लोग अगर मेरा पिछले वीडियो देखा तो हमें बोला है CD कमन क्या करता है, वो डायरेक्टरी में जाने के लिए यूज़ होता है। तो हम कंपनी में जाने के लिए CD कमांड की मदद से जाएंगे। देखिए हम लोग इंटर कर दिए हैं CD कमांड से मदद से कंपनी ए पर। ओके, ना क्या बोला है, चेंज द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का जो ओनरशिप है वो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो ओनरशिप चेंज करने का कमांड होता है CHOWN, मतलब जॉन, आप लोग जो बोला सकते हो।
तो ये वाला कमांड हम लोग यूज करके कंपनी ए का ओनरशिप चेंज करेंगे और किसको देंगे, ये जो है इस, ठीक है, करते हैं, मतलब कंपनी ए का जो ओनरशिप है वो हम लोग इसको दे रहे हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, हो गया। टू चेंज द ओनरशिप टू द एचआर फोल्डर एंड एचआर मैनेजर, ओके, मतलब एचआर फोल्डर का ओनरशिप भी चेंज करना होगा, सेम पिछले जैसे किया हमने, सो इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम ये भी हो गया, सेम प्रोसेस फिनेंस को भी करना होगा, ठीक है, वो भी कर लेते हैं हम लोग। सॉरी गाइस, ओके हो गया, तो एक बार देख लेते हैं क्या हुआ कि नहीं एलएस कमांड से। ओके गाइस, देखिए हो गया, किसको परमिशन मिल गया, देखिए जो लास्ट जो दिया है वो वाला किसको मिला, ये देखिए एचआर जो है उनको मिला है, ठीक है, हो गया। तो चेंज द परमिशन मोड, सो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फाइल का परमिशन चेंज करेंगे, किसकी मदद से, ये वाला कमांड की मदद से, chmod। सो पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोगों का डायरेक्टरी कौन सा है, pwg प्रेजेंट वर्किंग ड्यूटी, सो कंपनी ए पर है हम लोग, ओके ए पर ही रहना है, देन अच्छा दो तरीके से होता है, एक एक सिम्बोलिक और वो दूसरा एक एब्सोल्यूट मोड, सो पहले हम लोग सिम्बोलिक मोड पर वो परमिशन चेंज करेंगे, ठीक है, तो वी आई एडिटर से करेंगे फाइल, देन परमिशन भी चेंज करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ओके, तो एक सिम्बोलिक मोड का फाइल ओपन हुआ, सो इधर को इसको सेव करके सेव करना है, हम बोला है एस्केप, देन कोलन wq करके क्विट करना है, मतलब राइट सेव देन क्विट, ओके, ओके। अब हमको ये जो हम लोग जो फाइल सिम्बोलिक मोड का जो फाइल क्रिएट किया है इसका परमिशन देना है, तो हम लोग क्या परमिशन देंगे, sudo करके ये, ओके, सो ये जो कमांड है इसका मतलब होता है, ये chmod करता है आपका फाइल का परमिशन चेंज, gw इसका मतलब है आपको ग्रुप परमिशन देना है, सो ग्रुप को आप राइट परमिशन दे रहे हैं, w का मतलब राइट है, मतलब ग्रुप में जो होंगे वो लोग राइट कर सकेंगे, कौन सा फाइल को, ये वाला फाइल में, मतलब कुछ राइट कर सकेंगे, कुछ लिख, मतलब कुछ सेव कर पाएंगे, ठीक है, तो करते हैं, हो गया परमिशन, ओके। सो अब हम दूसरा एक फाइल क्रिएट करेंगे एब्सोल्यूट मोड के लिए, तो उसके लिए क्या कमांड है, सेम sudo y करके एब्सोल्यूट फाइल ओपन करेंगे, सी सो सेम प्रोसेस, और इसको सेव करने के लिए एस्केप, देन कोलन wq मतलब राइट सेव एंड क्विट, हो गया, ओके,
तीन बोला है कि ये वाला जो फाइल है इसको परमिशन देना है। अब इधर देख सकते हैं, इधर पहले में हम लोग देखा है कि जी प्लस डब्ल्यू मतलब ग्रुप को हम लोग राइट परमिशन दे रहा है। सो परमिशन तीन तरह के होते हैं, मतलब थ्री टाइप्स के होते हैं। एक यूज़र का देना होता है, एक ग्रुप को देना होता है, और एक अदर्स मतलब जो यूज़र है उनके लिए कौन सा परमिशन है, और जो ग्रुप पीपल है ग्रुप यूज़र उनके लिए कौन सा परमिशन है, और अदर्स जो है उनके लिए क्या है। और परमिशन के टाइप्स भी थ्री मतलब थ्री टाइप्स होता है, रीड राइट और एग्जीक्यूट के। तो इधर ये सेवन का मतलब होता है, मतलब फर्स्ट जो है वो है यूज़र के लिए, सेकेंड जो है वो है ग्रुप के लिए, एंड थर्ड जो है वो है अदर्स के लिए। तो सेवन का मतलब होता है ऑल परमिशन, मतलब यूज़र को आप सब दे सकते हैं, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूट ऑपरेशन। और सिक्स का मतलब है, मतलब हम लोग जो एक चार्ट होता है, सो वो चार्ट में है कि मतलब रीड ऑपरेशन को फोर से डिनोट करता है, राइट ऑपरेशन को टू से डिनोट करता है, एंड एग्जीक्यूट को वन से डिनोट करता है। सो आप सेवन देखेंगे तो सेवन मतलब है फोर प्लस थ्री प्लस वन, मतलब सेवन मतलब ऑल परमिशन। तो यूज़र को हम ऑल परमिशन दे रहा है। एंड सिक्स का मतलब है फोर प्लस टू, मतलब रीड एंड राइट, मतलब ग्रुप को रीड और राइट ऑपरेशन के परमिशन है। एंड फोर होता है रीड की, सो अदर्स को हम लोग दे रहे हैं कि ओनली रीड करने की, ठीक है। तो ये वाला कमांड को हम लोग रन कर लेते हैं। तो हम लोग एब्सोल्यूट फाइल को ये तीन परमिशन दिया। ओके, देन हम लोग चेक करेंगे। देखिए इधर भी सेम बोला है, 764 मीन्स दैट यूजर हैड रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन ऑन द एब्सोल्यूट, मतलब यूजर को सेवन मतलब यूजर को सब परमिशन है। सो हम लोग ये लिस्ट करके एक बार देख लेते हैं। ओके गाइस, देखिए किसको क्या क्या मिला है। सो ये है यूजर पहला जो रहता है, ये है ग्रुप, एंड ये है अदर्स, ठीक है। सो इधर से आप देख सकते हैं किसको क्या परमिशन दिया है। हम लोग एब्सोल्यूट मोड में दिया था कि यूज़र को हर मतलब सब रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, देखिए यूज़र को सब रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। एंड देन हम लोग सिक्स दिए थे, तो ये सिक्स है। सो ऐसे करके आप लोग चेक कर सकते हैं किसको क्या परमिशन दिया है। ओके, इधर और भी बोला है कि एक शिपिंग फोल्डर का पास ओनरशिप भी चेंज करना है, शिपिंग करके एक फोल्डर क्रिएट करना है, देन उसका ओनरशिप, ठीक है, ये भी हम लोग कर लेते हैं। पेस्ट हो गया, देन इसका भी हम लोग चेंज करते हैं ओनरशिप। Shift insert enter, and अभी हम एलिस करके चेक करेंगे हुआ कि नहीं। चलिए करते हैं। ओके गाइस, शिपिंग करके जो फोल्डर है उन वो हम लोग क्रिएट कर लिया है, और उसका भी परमिशन दे दिया है। ओके, सो इसके साथ हम लोगों को ये वाला लैब भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक
आपके लिए। टाटा।